दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर है। ऑब्वियसली अपडेट है, लेटर है जो कि सभी को देख लेना चाहिए, उनके नियमितीकरण को लेकर है। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार के द्वारा जल्द ही अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा सदन में अब यहां पर सत्र के दौरान अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पंचायत बुला करके उनके लिए घोषणाएं की थी उसको लेकर एक नया अपडेट है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है पिछले सभी अपडेटों से लेकर। तो यहां पर वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा और साथ ही अतिथि शिक्षकों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। कंप्लीट जानकारी बताएंगे, एक बड़ा अपडेट, ऑफिशियल लेटर अतिथि शिक्षकों के लिए घोषणाओं उनके नियमितीकरण को लेकर जारी किया गया है जो कि मध्य प्रदेश के समस्त हमारे अतिथि शिक्षक भाई और बहनों को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। पूरा कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ध्यान आकर्षण सूचना के तहत 25/6/2024 की तारीख पर यह लेटर जारी किया गया। प्रेषक श्री अतीफ आरिफ अकील जो कि विधानसभा के सदस्य हैं, इन्होंने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल विषय में संक्षिप्त प्रवेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करने संबंधी यहां पर यह लेटर जारी किया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षक 16-17 वर्षों से मजदूरी मानदेय बेसिस पर काम करते हैं और लगातार जो सरकार की तरफ से उनके लिए वादे ऐलान घोषणाएं की जाती हैं उसी आश्वासन को आधार बनाकर आगे वह इस उम्मीद में काम करते हैं कि उनके भविष्य को आगामी समय में सुरक्षित कर दिया जाएगा। पूरा यहां पर आपको दिखाएंगे, यहां पर बताया है महोदय मैं नियम 135(1) के अधीन आज दिनांक को मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। यानी मामला मध्य प्रदेश विधानसभा में अतिथि शिक्षकों का यह गूंजने वाला है और इम्पोर्टेंट बिंदुओं के साथ रहेगा। इसके पहले जो बिंदु थे वह भी इम्पोर्टेंट थे लेकिन उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिएगा, शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक लंबे समय से उन्हें नियमित करने की मांग करते आ रहे हैं। सितंबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने और उनकी अन्य मांगों का निराकरण करने की घोषणा किया था। उन्होंने अतिथि शिक्षकों का सम्मेलन बुलाकर कहा था कि अतिथि शिक्षकों का अनुबंध पूरे एक साल का होगा और नियमितीकरण के लिए पात्रता परीक्षा होने तक एक भी अतिथि शिक्षक के स्थान पर दूसरे अतिथि शिक्षक को नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी, किसी पार्टी की चुनावी घोषणा नहीं थी। ये इम्पोर्टेंट बिंदु सभी अतिथि शिक्षक अपने ध्यान में रखे। शिवराज सिंह चौहान उस समय जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था यह कोई चुनाव की गारंटी नहीं थी, चुनाव का वादा नहीं था। बतौर मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जब महापंचायत बुलाता है, बकायदा वहाँ पर अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उस समय घोषणा की थी। अब यहाँ पर इसको चुनावी घोषणा नहीं है, यह मुख्यमंत्री की घोषणा है। तो आप सोच सकते हैं कितना संवेदनशील मध्य प्रदेश की सरकार है और मुख्यमंत्री है कि घोषणा करने के करीब एक साल होने वाले हैं और अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया। वहीं आगे बताया गया है कि मुख्यमंत्री की सभी घोषणाएँ रिकॉर्ड पर में मौजूद हैं। शासन की जिम्मेदारी है कि वह मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पालन करे। यानी मध्य प्रदेश शासन जो अधिकारी हैं वो उनकी जवाबदारी है कि उन्होंने घोषणा की, वो रिकॉर्डेड घोषणा है। ऑफलाइन ऑनलाइन भाषणों पर भी आप देख सकते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्डों पर देख सकते हैं। अब अधिकारियों का जवाबदेही बनता है कि वो उनकी घोषणाओं के आदेश जारी करे। अब कोई भी अधिकारी यह नहीं कह सकता कि उसे अलग से आदेश की आवश्यकता है। यानी उन्होंने ये जो ज़्यादातर केसेस पर आप देखेंगे, अभी DPI में आंदोलन अतिथि शिक्षकों का है, तो स्पष्ट रूप से उनसे कहा जाता है कि हम ऐसी घोषणाओं को नहीं मानते। जबकि वो मुख्यमंत्री ने रिकॉर्डेड घोषणा की थी, बकायदा सम्मेलन बुलाया था, पंचायत बुलाई थी। तो यहाँ पर अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि उनकी बातों के आदेश जारी करें। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक इन अतिथि शिक्षकों को ना तो स्थायी किया गया है और ना ही उनकी अन्य मांगों का निराकरण किया गया है।
इन अतिथि शिक्षकों की आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं होने से उनके परिवारों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। सरकार की संवेदनहीनता चिंता का विषय है। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण न किए जाने में उनमें रोष व्यक्त है और यह स्थिति अत्यंत विस्फोटक बनी हुई है। यहाँ पर भवदी क्षेत्र नंबर 150 और यहाँ पर देख सकते हैं नियमों के साथ, ये नियम के अनुसार यहाँ पर बताया हुआ है और यहाँ पर इसको यहाँ पर आल जेडी और मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पर जवाब के तौर पर भेज दिया गया है। अतिथि शिक्षक से संबंधित 26 तारीख को यहाँ पर ये मैटर यहाँ पर दर्ज किया जा चुका है। उम्मीद है कि इस जो 17 जुलाई में शुरू हो रहा है इसमें अतिथि शिक्षकों को इसमें लिखी बातों के अनुसार लाभ दिया जाएगा और अधिकारी जो है इनके आदेश जारी करेंगे। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सपोर्ट करें, सुपर थैंक्स में डोनेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।